गरुड़ विकास खंड के दियोनाई क्षेत्र में व्याप्त संचार, यातायात व पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की तथा उन्हें ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि दियोनाई क्षेत्र में कई मोबाइल कंपनियों के अपने टावर स्थापित किए हैं, लेकिन संचार सेवा खस्ताहाल हो गई है। गरुड़ गंगा में क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण करने तथा भिटारकोट मोटर मार्ग का निर्माण तेजी से करने की भी मांग की गई है। जिलाधिकारी ने समस्याओं के निदान का भरोसा दिलाया है। जो रोड है और सिंहपुर बिटार कोट वाली जो रोड है, वो रोड आज तक उसका निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, और हाँ, जिसमें डामरीकरण भी नहीं हुआ है और सोलिंग भी नहीं हुआ है। सब ग्रामवासी कहने कि इस रोड का निर्माण अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, इसको जल्दी जल्दी करवाएं और नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, हम धरना धरेंगे वहाँ। 15-16 तारीख के बाद हम आंदोलन करने के लिए तैयार है डीएम ऑफिस के सामने, सारे ग्रामवासी मिलकर, इसलिए हम यहाँ आए हैं आज। और हमको बहुत परेशानी है, हमारा लास्ट क्षेत्र वो बॉर्डर है ऊपर जंगल का, पैदल जाने आने में हमको बहुत दिक्कतें आती है। कैसे हम वहाँ से घास लाऊँ, बीच में वो नदियाँ आती है, पुल धज के नीचे चले गई, कोई महिला या पुरुष गिर जाता तो वहाँ किसका नुकसान होगा, फिर तो डीएम को आना ही पड़ेगा वहाँ, इसीलिए आए हम यहाँ आज। इतना वो हमारा कर दीजिए। चार प्रमुख मांगें हैं बेसिकली। एक तो हमारी प्रमुख मांग है, नेटवर्क हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम वाला है, मोबाइल नेटवर्क जितने चल रहे हैं सारे बहुत कठिन परिस्थितियों में हैं, न तो जो है बात हो पाती है और नेट भी प्रॉपर नहीं है, जिससे जो है जो पोस्ट ऑफिस से महिलाएँ पेमेंट निकालती हैं उसको बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, तीन तीन चार चार बार उनको आना पड़ता है, बूढ़ी महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही है, सुदूर के गांव वाले उनको बहुत दिक्कत हो रही है, पढ़ाई सारी ऑनलाइन हो गई है आजकल, बच्चों को काफ़ी परेशानियाँ हैं। इसके अलावा जो है बाहर कहीं कहीं नेटवर्क मिलता है, अंदर तो बिल्कुल नेटवर्क नहीं मिलता है, तो ये काफ़ी कठिन एक जो है परिस्थितियों से पूरा हमारा क्षेत्र गुजर रहा है। और दूसरी मांग है कि 2014 में हमारा मछियाबगड़ के पास, शिव मंदिर के पास जो है मछियाबगड़ में, वो पुल हमारा क्षतिग्रस्त हो गया था, एक साइड को पूरा टिल्ट हो गया है, झुक गया है, और अभी तक वो नहीं बना। जिला पंचायत के माध्यम से बना था, हमने शासन को भी इसके लिए गुहार लगाई है, जनप्रतिनिधि को भी बोला है, लेकिन पुल का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है, उसके लिए आज हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और बोला भी है। और तीसरी हमारी मांग है, जो हमारा पोखरी से ग्वालदे मोटर मार्ग है, ये कई गाँव जैसे रिठाड़ है, बंतोली है, कफरडुंगा है, सरोली है, ग्वालदे है, भतलिया है, इन सब को ये जोड़ता है और इतना प्रमुख मार्ग है, लेकिन अभी तक इसमें पुल का निर्माण नहीं हुआ है, जबकि जो है रोड बन चुकी है। तो सारे ग्रामवासी चाहते हैं कि शीघ्र जो है ये पुल का निर्माण हो। और चौथी मांग मैं हमारे जो है ये सिंहपुर भिटारकोट की जो रोड है, इसका कार्य बहुत धीमा चल रहा है, बहुत ही धीमा चल रहा है, इतना धीमा चला कि काफ़ी समय से रोड जो है इसका निर्माण कार्य काफ़ी पहले शुरू हो गया था, लेकिन अभी तक ये पूर्ण नहीं हुई है और इसकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो है। तो ग्रामवासी चाहते हैं कि जो है शीघ्र बने, आगे बने, ताकि उनको सही सुविधा मिले ना, जो बीमार आदमी है, जो तकलीफ़ वाला आदमी है, वृद्ध आदमी है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये हमारी चौथी मांग है। इंटरनेट का भी उनके द्वारा ये बताया गया कि इंटरनेट तो वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे आइडिया का भी है, जियो का भी है और बाकी कंपनीज का भी नेटवर्क है, लेकिन उसमें इंटरनेट नहीं चल पा रहा है। तो जो हमारी कमेटी है जिसमें हम लोग सारे जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ हम मीटिंग करते हैं, तो उसमें ये इशू रेज किया जाएगा इस पर्टिकुलर एरिया का, और कोशिश करेंगे कि वहाँ पे अगर ये नेटवर्क आ रहा है तो वहाँ पे इंटरनेट वगैरह भी उनके पास अवेलेबल रहे, क्योंकि उनके द्वारा ये कहा गया है कि उनको बैंक वगैरह में भी फिर इश्यूज आते हैं, उनके कार्य जो है काफ़ी बाधित हो जाते हैं। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।